मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये जानकारी चाहा है कि 1 जनवरी 2019 से अभी 31 जनवरी 22 तक कितने लोगों के यहाँ पर नियुक्तियाँ हुई है। उसमें जवाब में आया है सभी श्रेणी मिलाकर के 20,291, उसमें 18 और 19 के 3,933, यदि इसको छोड़ दिया जाए तो लगभग 16,000 की नियुक्तियां हुई है। मैं इस बात को इसलिए मुख्यमंत्री जी से पूछा कि यहां पर बड़े बड़े होल्डिंग लगा हुआ है और उस होल्डिंग में बताया गया है कि 4,65,000 लोगों को नौकरी दी गई है से अधिक। और जब हम बिलासपुर के कार्यक्रम में थे मुख्यमंत्री जी के साथ में, तो उन्होंने कहा कि 5,00,000 लोगों को नौकरी दी गई है, लेकिन मैं बोला ये जवाब में 20,000 आया है तो ये दोनों का मेल नहीं हो रहा है। तो कि मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि आपका जो आकाश में जो नौकरी है और जो पाताल में है उसमें जो अंतर है क्यों है और कितने लोगों को वास्तविक में आपने नौकरी दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहली बात यह है कि माननीय नेता प्रत्यक्ष धरमलाल कौशिक जी ने जो प्रश्न किया है उसमें उन्होंने कहा 2018-19 को हटा दे, ये प्रश्न ही आप 1 जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2022 तक की किया, तो 2018 हटाने का सवाल ही नहीं उठता अध्यक्ष महोदय, क्योंकि 1 जनवरी 2019 से ये जो 3,333 पद हटाने की बात कर रहे हैं वो यथावत है, जोड़ लीजिए ना, तो उसमें जो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी के प्रश्न आपने पूछे हैं और उसमें वर्षवार ये जानकारी दी गई है जिसमें 20,291 पदों की भर्ती की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, नौकरी केवल शासकीय नहीं होता, रोजगार केवल शासकीय नहीं होता। माननीय अध्यक्ष महोदय, रोजगार में और नौकरी में अंतर है, मुख्यमंत्री जी इसको स्पष्ट कर ले। मनरेगा में जो काम करने जाते हैं उसको भी रोजगार मिलता है, लेकिन उसको नौकरी नहीं कह सकते आप। नौकरी का आशय है कि जो आपके सैलरी पर आधारित हैं और वेतन पर जो आधारित है, जो आपके वित्त विभाग के द्वारा स्वीकृत है, ये नौकरी में है। आप रोजगार की बात करेंगे तो उसमें आप लिखे होते ना कि हमने इतने लोग को रोजगार दिया, तो अपन वैसे ही प्रश्न करते। आपने नौकरी की बात की है तो इसलिए मैं जानना चाहता हूं, जो आप बताए हैं 20,000, उसके अलावा आपने कितने को नौकरी दिया? पूछा तो नौकरी का उत्तर मैंने दे दिया, तो इसका मतलब यही है। मैं यही तो बोल रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी कि आपकी योजना जो मैं बोलता हूं ना कि होल्डिंग्स में है या तो पेपर में है, उसकी जो सच्चाई है वो आज सामने आ गई कि 4,65,000 नौकरी आपने दे दिया ये 20,000 के माध्यम से। दूसरी बात, अब माननीय अध्यक्ष महोदय जी,